नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कलाइडोस्कोप कस्टम रॉम के बारे में। रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 12.1 के साथ प्रोजेक्ट कलाइडोस्कोप का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट कलाइडोस्कोप कस्टम रॉम को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, प्लस इस रॉम के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो एज रॉम है तो अभी फिलहाल एंड्रॉइड 12 के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर इस रॉम के साथ जो लेटेस्ट 5th of September का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। एंड एज बिल्ड है तो अनऑफिशियल बिल्ड है। कर्नल की अगर बात करें 4.14 यहाँ पर जो स्टॉक कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है, पर PRF कर्नल के साथ एज बिल्ड है अवेलेबल है। इस रॉम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं इस रॉम के साथ जो है क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले इस रॉम के साथ आपको यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर इस रॉम के साथ लगभग 5 से 6 आवर के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो, ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है लगभग 5 से 6 आवर के आसपास देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर काफी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिलता है इस रॉम के साथ। अगर बात करें यहाँ पर साउंड के साथ जो है यहाँ पर एसेव ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, टच वाइब्रेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ऑलवेज शो आइकॉन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है। या पर टच साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। या पर सिस्टम के ऊपर जो है डिवाइस सेटिंग्स का ऑप्शन है। या पर 120Hz 60Hz का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी स्मूथ UI देने को मिलता है। या पर DC डिमिंग का जो ऑप्शन है इसमें ऐड किया गया है, प्लस साउंड एनहाइजर का ऑप्शन है। या पर साउंड एनहाइजर के ऊपर जो है अलग अलग हेडफोन टाइप को भी ऐसा सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग जो प्रीसेट है उसे भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो हाईफाई ऑडियो का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, पर साउंड एनहाइजर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है यहाँ पर गेसेस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। गेसेस के ऊपर जो कुछ ऑप्शन को ऐड किया गया है, जैसे कि अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो, ये जो लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का जो ऑप्शन है इसे एनेबल करना होगा। उसके बाद सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। अगर आप जल्दी से फ्लैश लाइट को एनेबल करना चाहते हो तो ये जो ऑप्शन है काफी बढ़िया है। इस ऑप्शन के साथ लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के साथ आप जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है कुछ ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है डबल टैप पावर बटन का ऑप्शन है, प्रेस पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर जो है सिंपली अगर आप पावर बटन को डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग सेटिंग्स को ऐड किया गया है। प्लस पर जो है एडवांस रीसेट का ऑप्शन है। या पर इस बिल्ड के साथ जो पर पावर मेनू के साथ जो डायरेक्टली रिकवरी बूटलोडर प्लस सिस्टम UI को रीसेट कर सकते हो, पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर क्विक सेटिंग्स क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है। या पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। आप सिंपली गेस्चर्स के साथ जो स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, प्लस प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट। आप सिंपली पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके जो है असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है 100 mode का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद सिंपली नेविगेशन बारे में स्वाइप डाउन करके जो है 100 mode को एनेबल कर सकते हो। या पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, 100 mode का जो शॉर्टकट इसे भी ऐड किया गया है। या पर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो है 2-button नेविगेशन का ऑप्शन है। या पर 2-button नेविगेशन, 3-button नेविगेशन एंड गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है ऐसे ऑप्शन से। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। या पर इस बिल्ड के साथ फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर जो है एप लॉक का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर एज बिल्ड तो इनक्रिप्टेड बिल्ड है, तो इस रॉम को फ्लैश करने का टाइम आपको सिंपली यहाँ पर जो क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर बात करें फिंगरप्रिंट के बारे में, सिंपली टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया, पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर जाएगा बहुत ही फास्ट। आपका जो डिवाइस है अनलॉक हो जाएगा, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर काम करते हैं इस बिल्ड के साथ। अगर बात करें फेस अनलॉक के बारे में, यहाँ पर फेस अनलॉक भी काम कर जाएगा बहुत ही फास्ट, आपको जो डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर इस बिल्ड के साथ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से काम करते हैं, प्लस यहाँ पर जो फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। एंड प्राइवेसी के ऊपर कैमरा एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, प्राइवेसी डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है एंड्रॉइड 12 के साथ। ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर थीम आइकन का जो ऑप्शन है शायद ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन है, डार्क थीम का ऑप्शन है,
यहाँ पर मॉर्निंग व्यू का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड पर लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन ऐड किया गया है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ, जहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है एंड यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस को कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम करता है, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डबल टैप टू वेकअप, डबल टैप टू स्लीप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। या पर सर्च बार के साथ कौन कौन से आइकन को दिखाना चाहते हो इसके लिए सर्च बार आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस ऐसे भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। या पर बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज को या से एनेबल कर सकते हो। या पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है ऐसे भी ऑप्शन से। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर जो है एनहांस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, नाइट लाइट, एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस रॉम के साथ जो कुछ इस तरह से क्विक सेटिंग्स पैनल का जो है यूआई देने को मिलता है। एंड अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, हमने यहाँ पर इस रॉम के साथ जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस को रन किया था, यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लैब के ऊपर 1115 का स्कोर है। रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के साथ 3D मार्क के साथ जो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। अगर बात करें गीकबेंच 5 के बारे में, यहाँ पर जो सिंगल कोर के साथ 543, मल्टी कोर के साथ जो है 1522 का स्कोर है। यहाँ पर 1522 का स्कोर देने को मिल गया है मल्टी कोर के साथ गीकबेंच 5.4.4 के साथ। तो यहाँ पर जो सिंगल कोर प्लस मल्टी कोर का जो स्कोर है गीकबेंच के साथ काफी बढ़िया देने को मिल जाएगा। अगर बात करें सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, तो यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर हमने लगभग 3 मिनट के लिए जो टेस्ट रन किया था यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैक्स गया है 152, एवरेज है 149, मिनिमम है 126। यहाँ पर लगभग कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस रॉम के साथ जो परफॉर्मेंस है बढ़िया है, परफॉर्मेंस के साथ आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलता है। कैमरा की अगर बात करें तो इस रॉम के साथ जो कुछ इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है इस ऑप्शन से। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो ए सी वी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर बात करें पर कैमरा टेप के बारे में, यहाँ पर लेवल 3 का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम यहाँ पर काम करते हैं। हमने यहाँ पर कैमरा गो को इंस्टॉल किया था, पर जीकैम गो को इंस्टॉल किया था। पोर्ट्रेट मोड, फोटो वीडियो ए सी वी ऑप्शन को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करता है ना। पर बात कर लेते हैं इस रॉम को किस तरह से इंस्टॉल करना होगा रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। कोई भी कस्टम रॉम को इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर उसका जो है बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। बाद में आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर चेक इस रॉम को डाउनलोड करना होगा रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। एंड इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर जो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, पर जो TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिंपली पर जो कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं, या पर इस रॉम के साथ जो पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करके आप जो है कस्टम रिकवरी को बूट कर सकते हो। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं TWRP रिकवरी को। अगर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ भी इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। सिंपली कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद यहाँ पर बैकअप में जाना होगा। बैकअप में जाने के बाद सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके करेंट रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। करेंट रॉम का जो बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, बाद में आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। करेंट रॉम का जो बैकअप क्रिएट करने के बाद सिंपली वाइप में जाके, एडवांस वाइप में जाके डेल्विक डेटा कैश, ये तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर इंस्टॉल में जाना होगा। सिंपली ये इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर हमने इस रॉम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रॉम को सिलेक्ट करके यहाँ पर स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। रॉम फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है इस पर आप करना होगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर एज रॉम में अगर बूट नहीं हो रहा है फ्लैश करने के बाद, तो सिंपली यहाँ पर जो फॉर्मेट में जाके, वाइप में जाके, फॉर्मेट में जाके ये स्टेप करने के बाद जो है इंटरनल स्टोरेज जो डिलीट हो जाएगा। बट
फॉर्मेट करने के बाद जो एजोराम है आपके डिवाइस के ऊपर बूट हो जाएगा सिंपली। अगर आपके डिवाइस के ऊपर एजोराम में बूट नहीं हो रहा है सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा करना होगा। फॉर्मेट डाटा करने के बाद एजोराम में आपके डिवाइस के ऊपर बूट हो जाएगा एंड यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 to 10 मिनट के आसपास टाइम लगता है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर रॉम को सेटअप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।